साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते दो तीन सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग पौने 200 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़िया वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था, मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है।